तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ होंडा की SP125 डिस्क के कैश और फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों, अभी के समय में कैश का एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है और इस बाइक को लेने पर कितना टैक्स आपको देना होगा और ये ऑन रोड में आपको कितने की मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप इसे फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर आप इसे ले सकते हैं, और मैंने इसमें 3 साल का प्लान लिया है तो आपकी पर मंथ की किस्त कितने की बनती है और टोटल ब्याज आपको कितने का देना होगा, तो सभी जानकारी इस वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात करें अहमदाबाद के प्राइस की, तो इसके एक्स शोरूम प्राइस है 87,553 रुपए। दोस्तों, आरटीओ का खर्चा आपका आएगा 5,253 रुपए का और इंश्योरेंस के आपके बनते हैं 6,408 रुपए। तो सभी टैक्सेस को मिलाने के बाद आपके ऑन रोड प्राइस बनते हैं 99,214 रुपए। तो दोस्तों, ये तो हुए इसके कैश प्राइस की बात, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस की। अगर आप कराते हैं इसकी डाउन पेमेंट 14,500 रुपए की, तो आपका लोन अमाउंट निकल कर आएगा 84,714 रुपए का। दोस्तों, अगर आप इस लोन अमाउंट को 3 साल यानी कि 36 महीने के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 7.7 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने पर आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 2,643 रुपए की। दोस्तों, इस लोन अमाउंट को 3 साल के लिए फाइनेंस कराने पर आपका टोटल ब्याज बनता है 10,431 रुपए का। तो डाउन पेमेंट और सभी किस्त को पे करने के बाद आपका टोटल अमाउंट बनता है 1,09,645 रुपए। दोस्तों, अगर आप भी किसी गाड़ी की फाइनेंस की जानकारी चाहते हैं किसी भी डाउन पेमेंट पर या किसी भी जगह के, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं।